श्री महावीर जी में 27 नवंबर से महामस्तक अभिषेक का बहुप्रतीक्षित आयोजन शुरू हो चुका है। इस भव्य महोत्सव में भक्तजन प्रभु महावीर की अतिशयकारी प्रतिमा का मस्तक अभिषेक कर अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस महोत्सव में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। महोत्सव में भक्तों को अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज ससंग भी श्री क्षेत्र पहुँचे। 27 नवंबर से श्री महावीर जी में महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव का भव्य आगाज हुआ, जिसमें भक्तों ने वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ससंग के सानिध्य में श्री क्षेत्र में विराजमान भगवान महावीर की मूल नायक प्रतिमा का मस्तकाभिषेक कर पुण्यार्जन किया। आचार्य श्री गुरुवर के सानिध्य में आरंभ हुए इस महामस्तकाभिषेक महोत्सव में संपूर्ण देश के धर्मावलंबी श्री क्षेत्र में एकत्र हुए। सभी प्रभु के शीश पर श्रद्धा से कलश ढुरा रहे थे। प्रथम कलश ढुराने का सौभाग्य आर के परिवार के श्री कंवर लाल पाटनी जी को प्राप्त हुआ। वाकई में ये दृश्य तो अनुभव है, क्योंकि हमने तो हमारी जिंदगी में पहली बार 24 साल बाद ये अभिषेक देखे, तो मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया आज देखी है और सबको बहुत खुशी हुई है। और वाकई में आपने कहा सबकी आंखें नम हो गई है, यह तो खुशी का पल है जो शायद अब अगले 24 साल कौन देखा है। इसलिए मैं सबको बोलना चाहूँगी, सब टीवी के पास बैठिए और अच्छी तरह दर्शन कीजिए। मुझे लगा मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ, इतना पुण्य का काम मेरे पूरे परिवार ने, हम सब ने एक साथ हमने देखा और सब ने करा और सब ने मिलकर इतना पुण्य कमाया है। मैंने 8 कलश देखे, मेरा जब कलश का मौका आया उसके पहले मुझे 8 कलश देखने में बहुत उत्साह हुआ और 9वें कलश में तो मेरे को बहुत ज़्यादा उत्साह हुआ। जब से हमें पता चला कि हमारी फैमिली को प्रथम कलश का सौभाग्य मिला है, तब से पूरी फैमिली में और मेरे में सब में बहुत उत्साह का माहौल था। आज हमारे परिवार को प्रथम अभिषेक करने का सकल जैन समाज ने और यहाँ की कमेटी ने जो हमारे को अभिषेक कराने का निर्णय लिया, तो हमारा परिवार अभिषेक करके और धन्य हो गया। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमें ऐसा मौका बार बार देता रहे। इस अवसर पर भक्तों का प्रभु के प्रति आसक्ति उनके चेहरों पर साफ देखने को मिल रही थी। अपनी इस भावना को उन भक्तों ने शब्दों में कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। हमको बहुत उत्सुकता थी, बहुत दिनों से हम इस चीज का वेट कर रहे थे, बहुत मतलब महीनों से कि आज महावीर जी में महामस्ताभिषेक होगा, हम महामस्ताभिषेक करने जाएंगे, कितनी खुशियाँ होगी। आज सुबह से तो हमको ऐसा लग रहा था कि कितने बजे कितनी देरी बच रही है, मतलब ऐसा इतना खुशी माहौल और पूरा हम एकजुट होके जो आए हैं और कितने दिनों के बाद महामस्ताभिषेक करने मिला, मन इतना प्रसन्न है कि क्या बताऊँ। प्रथम कलश करके हमारे मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारे भाग्य का उदय हुआ है ऐसा लग रहा है। और ये मौका हमें 24 साल बाद मिला है और पहली बार ज़िंदगी में मौका मिला है, इससे पहले तो हमने करे नहीं थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही गर्व हो रहा है। पूरा हमारा पूरा परिवार यहाँ पे है, एवरीबडी इज़ हियर, सो बहुत अच्छा लग रहा है। सब ने मिल के आज कलश किए, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें ये स्वधर्म इंद्र बनने का जो मौका मिला उससे भी हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। महोत्सव में प्रभु के इस अनूठी छटा के दर्शन और भक्तों को अपना सानिध्य देने के लिए मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज पदयात्रा के साथ श्री क्षेत्र पहुँचे। पावन भई पर्याय मेरी, भयो मैं पूर्ण धनी, निज शक्ति पूर्वक भक्त कीनी, पूर्ण भक्ते नहीं बनी। पावन मन वे गयो त्यारे ध्यानते, पावन रसना मानी तुम गुण गानते। पावन भई पर्याय मेरी, ये पर्याय तो पावन हो गए। 24 साल बाद 50 साल से भगवान जी के दर्शन करके चले जाते, 24 साल बाद जो मौका मिला है, जो सौभाग्य मिला है साक्षात अभिषेक करने का, उसका जो आनंद मिला उसकी अनुभूति का कहना बहुत मुश्किल, नहीं कह सकते। हम तो जीवन में पहली बार 24 साल बाद नहीं, अपने पैदा होने के उपरांत आज हमें पहली बार सौभाग्य मिला है अब उसे करने के लिए यहाँ पधारे। और इतने लोगों के साथ इतनी अच्छी व्यवस्था, इतने अच्छे दर्शन शायद हमें जीवन में कभी मिल सकते थे, तो हम तो धन्य हो गए कि जो हमें इस तरह का हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ हमको। और हम यहाँ की जो सब महावीर की कमेटी है उसको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर करके दी।
यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कल से ही आई हुई हूँ यहाँ पे। यहाँ पूरा पंच कल्याण की क्रियाएं भी देख रही हूँ और आज हमारे यहाँ कलश भी था जो कि 24 साल के बाद हो रहा है। आगे का तो पता नहीं कब नंबर आएगा या नहीं आएगा, मालूम नहीं है, लेकिन अभी तो बहुत मन प्रसन्न हो रहा है आज का कलश करके। और कल पंच कल्याणक में भी हमने देखा भगवान के जब माता पिता बने जो थे और जब भगवान का विहार हुआ था तब कल्याणक में, मतलब तो उस वक्त इतना अच्छा दृश्य था कि देखते ही आंसू आ जाते हैं कि भगवान जा रहे हैं छोड़ के, घर छोड़ के जा रहे हैं और तब कल्याणक उनका मनाया जा रहा है। 24 वर्षों बाद ये आयोजन हो रहा है, प्रथम बार आप इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। हाँ, प्रथम बार। कितनी उत्सुकता है आपकी? बहुत उत्सुकता है हमारी, बहुत ज्यादा है। सभी दर्शन करने के लिए महावीर जी पधारे हैं। ये महामस्तकाभिषेक ऐतिहासिक हो रहा है। हाँ। यहाँ जो 24 ही बनी है बहुत ही शानदार, इसके दर्शन करके हम बहुत गदगद हो गए। पहले वाला महावीर जी और अब वाला महावीर जी, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। आप सब आइए, दर्शन कीजिए और इस दर्शन का लाभ लीजिए। देश के कोने कोने से आए इन भक्तों में प्रभु पर श्रद्धा के कलश ढुराने का उत्साह अविस्मरणीय था। सभी भक्त उत्साह पूर्वक प्रभु का मस्तक अभिषेक कर पुण्य कमा रहे थे। मैं बहुत खुश हूं और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि मैंने 24 साल पहले भी इस मूर्ति के कलश किए थे अपने परिवार के साथ और आज मुझे फिर ये मौका मिला कलश करने का। तो मैं मानता हूँ कि किसी आदमी को इस मूर्ति के जिंदगी में दो बार कलश करने का मौका मिल जाए तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। आपको बता दें कि अतिशय क्षेत्र महावीर जी में आयोजित यह महामस्तकाभिषेक 24 वर्षों के बाद हो रहा है। 4 दिसंबर तक भक्त जन इस बहुप्रतीक्षित महोत्सव में सहभागिता कर पुण्य लाभ उठाएंगे। जैन फोकस के लिए श्री महावीर जी, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।